सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मेरा नाम जगदीश बनकर, मैं एक ब्रह्मपुरी तालुका से रहित और मेरा पूरा एजुकेशन जो उसी वही ब्रह्मपुरी में हुआ। उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईटी खड़गपुर से इंडस्ट्री इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं यूएस में जब गया तो वहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो अंबेडकर मूवमेंट है वो यूएस में भी रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखा कि बहुत से जो अमेरिकन लोग हैं उनको अपने इंडिया के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, और वहाँ जो एक जो बाकी लोगों को एक प्रोटेक्ट किया प्रोडक्ट बाकी लोगों को ऐसे बताया गया है कि भाई इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन हम क्योंकि जब भी हम कोई अमेरिकन से बात करते थे तो उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं था, तो हमने सोचा कि एक अपनी अगर अंबेडकराइट मूवमेंट वहाँ पे शुरू करेंगे और अमेरिकन लोगों को भी एक अवगत करेंगे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट है और उसके दलित कम्युनिटी कैसे सफ़र होती है, ये इसका ताज़ा उदाहरण हम अपने लेक्चर के सीरीज द्वारा वहाँ पे प्रकट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप दलितों के ऊपर यहाँ कितने इंडिया में अत्याचार होते हैं और ये अत्याचारों के जो बड़ी होते हैं वो सिर्फ दलित लोग ही सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका में भी जो दलित लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं उसका कहीं ना कहीं आवाज़ एक कांग्रेस में भी होना चाहिए, और इसी की वजह से हमने सोचा कि एक अपना कोई सेंटर होना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर होना चाहिए। वो एक अपने दिल में रखते हुए हमने वहाँ एक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लिए 13 एकड़ की ज़मीन लिया है, और उस ज़मीन पे हम लोग एक बाबा साहब का मेमोरियल बनाना चाहते हैं। वहाँ पे बाबा साहब के लिए पूरे जितने लाइब्रेरी है वो भी बनाना चाहते हैं, और जो इंडिया से या बाहर कोई कंट्री से अगर कोई स्टूडेंट आते हैं और उनको भी रहने के लिए हॉस्टल वो भी बनाना चाहते हैं। ये हमारा ऐसा प्लान है, और इसी की वजह से हमने वहाँ पे 13 एकड़ की ज़मीन ली हुई है, और उस ज़मीन का उपयोग ना कि हम इस जनरेशन बट आगे की को भी हमारी 2-3 पीढ़ियाँ भी उसको यूज़ कर सकते हैं, इतनी बड़ी हमने ज़मीन वहीं पे ली हुई है, और ये हमारा उद्देश्य है कि वहाँ पे इस तरह से वहाँ पे जैसे सेंटर हो गया, लाइब्रेरी बनाए, मेमोरियल बनाए और म्यूज़ियम बनाए, ताकि बाकी लोगों को अपने अमेरिकन अफ्रीकन का जैसे मेमोरियल होता है वैसे तरीका हमारा इंडिया का भी दलित लोगों के ऊपर कितने एट्रोसिटीज़ होते हैं वो भी वहाँ पे हम लोग म्यूज़ियम के द्वारा डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि पूरे ये अमेरिका में जो भी लोग आए उनको उसके बारे में पता चले। हमारे जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं बहुत ही ऐसे कोई गिने चुने लोग हैं, लेकिन गिने चुने लोग होने के बावजूद भी हमको अगर कैसे उनको इकट्ठा करना है तो उसके लिए हम साल भर में प्रोग्राम करते हैं, जो बाबा साहब की जयंती होती है और महापरिनिर्वाण दिन और बुद्ध जयंती, इस तरह के हम प्रोग्राम करके सब पूरे यूएस में जितने भी हमारे अंबेडकराइट है हम सबको उसमें इन्वाइट करते हैं, उसमें से नेटवर्किंग करके अपने विचार की ध्यान होती है, और उनको कोई सजेशन अगर है तो वो भी उसमें से हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इसी की वजह से हम लोग हमेशा एक जितने भी अपने दलित लोग वहाँ पे आए हुए हैं उन सब का एक नेटवर्किंग तैयार हो और एक फोर्स तैयार हो, और आल जितने भी अम्बेडकर आए हुए हैं जो हर कंट्री से सबका मिलन हो और एक साथ रहे। मेरा नाम अंकुश घुमरे है, मैं ये डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीकानेर निर्माण केंद्र का मैं अध्यक्ष हूँ। इस केंद्र का उद्देश्य है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के जो युवक हैं, उनको आजकल नौकरी मिलने में बहुत कठिनाई होती है, तो बहुत सारे जो युवकों को जो लेबर कैटेगरी में काम करना पड़ता है तो उनको लेबर कैटेगरी से उनको अपग्रेड करके उनको अच्छी तरह से शिक्षा के लिए उनको कुछ हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, केंद्र की तरफ से हायर स्टडीज़ के लिए और एम्प्लॉयमेंट जो उनको नौकरी मिलने के लिए, अच्छा जॉब मिलने के लिए जो भी हेल्प चाहिए हमारा सेंटर करता है। बीच में हमारा सेंटर का काम कुछ रुक गया था, लेकिन अभी हम लोग
बहुत स्पीड से काम चालू किया है, तो आने वाले दिनों में केंद्र की तरफ से जो है जो एससी एसटी कैटेगरी जो युवक है और अन्य जो है उनके लिए हम लोग उनका जो उनको नौकरी देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी हम कोशिश करने वाले हैं। कैमरामैन बबलू राउत के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।